गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रदीवन, और सब ठीक है? हाँ तो स्टार्ट करें अब हम लोग, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टार्ट किया था। तो उसमें हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो टाइप होता है, अल्फा जो है हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा प्लेटेड सीड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम लोग अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, है ना। व्हाट इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर? ठीक है, तो लिखना अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ओके, इसका स्ट्रक्चर मैंने जो है डायग्राम तो मैंने बता ही दिया था लास्ट क्लास में, है ना। तो आज इसके बारे में हम लोग दो चार पॉइंट देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले कि इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी, इट इज मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इट इज मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसका शेप आपने देखा कैसा होता है, तो इट इज स्पाइरल इन शेप, इट इज स्पाइरल शेप। और ये स्पाइरल शेप क्यों होता है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, ये जो है बेंडिंग हो जाता है और बेंडिंग से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पाइरल हो जाता है ना। मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, दिस इज स्पाइरल शेप ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड इसको स्टेबलाइज भी करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, तो इसको स्टेबलाइज करता है, मीन्स इसको स्टेबल बनाता है। उसके बाद प्रत्येक टर्न जो है, आपने टर्न देखा, इच टर्न कंसिस्ट 3.6 अमाइनो एसिड्स। तो प्रत्येक टर्न में जो है 3.6
जिस नंबर ऑफ अमाइनो एसिड की बात करें तो प्रत्येक कर्ण में 3.6 अमाइनो एसिड्स होता है। ठीक, और यहां जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो एक और सेंटेंस देखना, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्मड, बॉन्ड इज फॉर्मड बिटवीन, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्मड इन सेम एटम्स, सेम इन सेम मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एक ही मॉलिक्यूल में। तो इसको नोट करो, हो गया। थ्री पॉइंट सिक्स अमाइनो एसिड, नॉट 36। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है ना, रिंग का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से रिंग का फॉर्मेशन होता है, और रिंग के फॉर्मेशन से क्या होता है ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये चैप्टर कब तक खत्म हो जाएगा, जल्दी ही खत्म हो जाएगा भाई, टेंशन मत लो। 3.6 अमाइनो एसिड आएगा भाई, है ना, ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पूरा ये हो गया, ठीक है, और चलो ये है, और पूरे में मान लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म है, और 5 में मान लेते हैं कि 5 में से कितना हो गया, टोटल 5 है ना, पूरा अमाइनो एसिड है ना, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, और इसमें मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5, ये इसमें मान लेते हैं कि 28 अमाइनो एसिड, समझना है ना इसमें, ठीक है, इस पूरे में मान लेते हैं कि 28 अमाइनो एसिड है। अब देखो कितना कितना टर्न है, 1 2 3 4 5, 5 टर्न है, तो 28 को डिवाइड कर दो 5 से, है ना, उतना अमाइनो एसिड हो गया, ठीक है ना। 3.6 मीन्स ये मत समझना कि 3.6 अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड या तो 3 होगा या 4 होगा, लेकिन जो है एक टर्न में इतना ही पार्ट आ पाएगा, 3.6 पार्ट ही आ पाएगा। ठीक है, समझे बात को, मेरा बात समझना। देखो बात यहाँ ये नहीं कि जो है 3.6 अमाइनो एसिड का नंबर जो होगा या तो 3 होगा या तो 4 होगा या 5 होगा, मैं प्रॉब्लम आपको समझ रहा हूँ, 3 होगा 4 होगा 5 होगा, फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता है ना, लेकिन यहाँ दो टर्न के बीच इतना ही आ पा रहा है। ठीक है, 3.6 पार्ट ही आ पा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो टोटल जो अमाइनो एसिड होगा पूरे पॉलीपेप्टाइड चेन में, वो तो हमेशा होल नंबर ही होगा, उसमें फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पढ़े थे 11th में भाई, 11th में हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े होंगे ना। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होता है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर जो बन रहा है, जो क्वाइल बन रहा है, किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड से बन रहा है ना, उस क्वाइलिंग से क्या होता है, रिंग बनता है, और जब रिंग बनता है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो रिंग किसके कारण बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ही बन रहा है ना।
इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण रिंग बन रहा है, और रिंग बनता है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके ठीक, और किसी का कोई क्वेश्चन, और किसी को कोई डाउट है तो बोलो, और किसी का कोई डाउट है तो बोलो भाई। चलो अब किसी का कोई डाउट नहीं है। ठीक चलो आगे बढ़े। तो ये हो तो हो गया अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो है बीटा प्लेकेट सीड स्ट्रक्चर। बीटा प्लेकेट सीड स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, सो दो अमाइनो एसिड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन करता है एक दूसरे को, मिस दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन जो है आपस में ज्वाइन करता है हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, तो इसमें लिखना बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। इसका मैंने आप बताया था कि इसका जो होता है ऐसा होता है, इसमें क्वाइल नहीं बनता है। तो क्वाइल क्यों नहीं बनता है, इसलिए क्योंकि इसमें इसमें सिंगल सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसलिए यहाँ क्वाइलिंग नहीं होता है। ठीक है, तो यहां लिखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन, टू डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहां दो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, जैसे ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो गया, एक दूसरा ये हो गया, इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो यहाँ क्वाइलिंग नहीं होगा है ना, इस स्पाइरल स्ट्रक्चर यहाँ नहीं होगा। अच्छा, अब ये दोनों जो है पॉलीपेप्टाइड चेन जो है दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है ना, दिस बोथ द चेन्स रन, बोथ द चेन्स मे रन पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है, यहां चेयर्स लिख दिया मैंने, बोथ दी चेन्स, बोथ दी चेन्स में रन पैरेलल और एंटी पैरेलल, ये दोनों चेन जो है पैरेलल और एंटी पैरेलल जो है रन कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बीटा प्लेकेट सीट स्ट्रक्चर, सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, क्वाइलिंग इसमें नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम देख लोग देखते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, थर्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पर का फर्दर फोल्डिंग होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फर्दर फोल्डिंग होता है तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, मींस टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सबसे कॉम्प्लेक्स जो सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है वो क्वार्टरनरी होता है। क्यों, प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में जब क्वाइलिंग होता है आपने देखा सेकेंडरी, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फिर से जब क्वाइलिंग होता है बेंडिंग होता है तो टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है, और बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर मिलकर फिर एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाता है।
तो सबसे कॉम्प्लेक्स जो है प्रोटीन जो होता है वो क्वार्टनरी होता है। ओके तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में, टर्शियरी स्ट्रक्चर देखना कि द दिस स्ट्रक्चर अराइज ड्यू टू, दिस स्ट्रक्चर अराइजेज ड्यू टू फर्दर फोल्डिंग एंड क्वाइलिंग ऑफ, फर्दर फोल्डिंग एंड क्वाइलिंग ऑफ ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। ठीक है, मीन्स कि दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स, दिस इज मोर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। है ना, और ये जो है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, दिस इज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, थ्री डी स्ट्रक्चर। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर अगर थ्री डी हो रहा है तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर तो डेफिनेटली थ्री डी होगा, तो वो भी थ्री डी स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड भी हो जाता है, सम एक्स्ट्रा बॉन्ड्स, बॉन्ड्स आर देयर इन दिस स्ट्रक्चर। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड हो जाता है, एक्स्ट्रा बॉन्ड क्या, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता ही है, आपने देख लिया वो तो रहेगा ही, है ना। है ना, फोल्ड होके वो कॉइल बना देता है भाई, है ना, फोल्ड होके वो कॉइल बना देता है। ठीक, तो सम एक्स्ट्रा बॉन्ड्स आर देयर इन दिस स्ट्रक्चर, कौन कौन सा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो होता ही है, उसके बाद यहां जो है डाई सल्फाइड बॉन्ड भी होता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड हो जाता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी होता है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी होता है ना। ठीक है, तो अलोंग विथ हाइड्रोजन बॉन्ड, अलोंग विथ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्दर जो है बॉन्डिंग हो जाता है, फर्दर क्या होता है, तो फर्दर फोल्डिंग होता है, और क्यों, क्योंकि इसमें और कुछ बॉन्ड आ जाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड तो रहता ही है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है मींस, है ना, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, है ना,
ऐसा होता है ठीक। और फिर उसके बाद क्या होता है, तो इस तरह से बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर जब कंबाइन करता है तो फिर एक क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाता है, तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होता है ना। सल्फर इसलिए आ जाता है कि कुछ अमाइनो एसिड होता है जिसमें सल्फर होता है ठीक है। अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ अमाइनो एसिड जो हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होता है, जैसे मेथियोनिन है ना, उसमें क्या होता है तो मेथियोनिन में जो है सल्फर होता है, तो कुछ अमाइनो एसिड होता है जिसमें सल्फर होता है, इसलिए डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बन जाता है ठीक है। चलो आगे बढ़ें, तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होता है और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, तो दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, दिस इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये भी 3D होगा, इट इज ऑल्सो मीन्स ये तो होगा ही 3D, 3D स्ट्रक्चर। तो जब टर्शियरी स्ट्रक्चर दो या दो से अधिक टर्शियरी स्ट्रक्चर जब आपस में कंबाइन करता है तो जाके बनता है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, है ना। मीन्स इफ टू और मोर टर्शियरी स्ट्रक्चर और मोर टर्शियरी स्ट्रक्चर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये हो गया क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हो गया, तो ये तो हो गया कि प्रोटीन ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है न्यूक्लिक एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया कंप्लीट, प्रोटीन कंप्लीट हो गया, अब हर टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो हेडिंग देना न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड ठीक है।
जे वाले थोड़ा सा ध्यान से देखना चीजों को। नीट वाले तो अगर ये चैप्टर हो चुका है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हमें वही पढ़ना है जो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी में थोड़ा डिटेल में ही पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री में उतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ठीक है। लेकिन जो मैथ वाले हो, जो जीई वाले हो, उसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है इस चैप्टर पर, टॉपिक पर, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? तो लाइक प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। आपने देखा कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन किसका पॉलीमर होता है? तो अल्फा अमीनो एसिड का। उसी तरह से न्यूक्लिक एसिड जो है ये पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। दो टर्म होता है, बड़ी कंफ्यूजन होता है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड और दूसरा होता है न्यूक्लियोसाइड, TID टाइड, और दूसरा होता है साइड SID। तो न्यूक्लिक एसिड द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड नॉट न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंसेस है मैं ये बताऊंगा आगे, क्योंकि तो यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछता है और गलती करता है, ठीक। तो लिखना पहले के न्यूक्लिक एसिड इट इज द लॉन्ग चेन ऑफ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है, जैसे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है न्यूक्लिक एसिड। ये कहां होता है? तो ये हमारे सेल के न्यूक्लियस में होता है मोस्टली, नॉट 100%, है ना, लेकिन ज्यादा जो है अमाउंट में जो है हमारा जो है न्यूक्लियस में होता है, ठीक है, सेल के न्यूक्लियस में होता है। कुछ जो है साइटोप्लाज्म में भी होता है, बट मोस्टली जो है न्यूक्लियस में होता है। तो लिखना इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, न्यूक्लियस ऑफ तो सेल के न्यूक्लियस में होता है। क्या इसका फंक्शन है, क्या काम है? तो प्रोटीन सिंथेसिस में और सेल रेप्लिकेशन में, मींस के इट प्लेज वाइटल रोल इन सेल रेप्लिकेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेल रेप्लिकेशन और प्रोटीन सिंथेसिस तो हमें नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना है। जो बायोलॉजी वाले हो वो तो पढ़े ही होंगे, सेल रेप्लिकेशन पढ़े होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस भी पढ़े होंगे। जेई वाले को ये नहीं पढ़ना है, सेल रेप्लिकेशन प्रोटीन सिंथेसिस जेई वाले को नहीं पढ़ना है ना। चलो हो गया, चलो ओके। तो अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है इट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दो अलग अलग कैटेगरी में है। एक तो हो गया डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी और इसके बारे में तो सबने सुना होगा। एक हो गया डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा हो गया रिबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। तो शॉर्ट में इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो शॉर्ट में इसको हम लोग डीएनए कहते हैं, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, और इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं आरएनए। मैंने कहा
क्या आप सबने सुना होगा डीएनए और आरएनए, जो बायोलॉजी वाले हैं वो तो जानता ही है डीएनए और आरएनए। तो ये डीएनए और आरएनए जो नेम पड़ा है ये सुगर के बेसिस पर पड़ा है। क्यों? देखो न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड ये तीन इंग्रेडिएंट से बना होता है। मीन्स न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट होता है, कौन कौन सा? तो नाइट्रोजनस बेस होता है, दूसरा पेंटोज सुगर होता है, और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप होता है ना। फॉस्फेट ग्रुप इज एनर्जी गिविंग सब्सटेंस। तो इसमें जो है सुगर होता है, पेंटोज सुगर, पेंटोज सुगर, पेंटोज मीन्स फाइव कार्बन का सुगर होता है, दोनों में होता है, दोनों में सुगर होता है। एक में क्या होता है, एक में डीऑक्सीराइबोस सुगर होता है और दूसरे में होता है राइबोस सुगर। डीएनए में जो है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस सुगर होता है, आरएनए में राइबोस सुगर होता है। तो डीऑक्सीराइबोस सुगर और राइबोस सुगर के जो है बेसिस पर ही दोनों का नेम पड़ा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और रिबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, तो सुगर पर नाम पड़ा है। तो डीएनए और आरएनए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बस इसका डिफरेंस पढ़ेंगे, लेकिन डिफरेंस हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है ना, कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। ओके, तो इसको लिख लो, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि What is the smallest unit of nucleic acid? Nucleic acid का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? तो मैंने आपसे कहा कि न्यूक्लिक एसिड जो बना होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड भी तीन कंपोनेंट से बना होता है, लेकिन तीन कंपोनेंट से बना होता है तो उसको हम लोग है ना, उसमें से किसी एक कंपोनेंट को हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं कह सकते। स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग न्यूक्लियोटाइड ही को ही कहेंगे, ठीक है। तो जिस तरह हम लोग कहते हैं एक ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो सेल होता है। अब सेल के अंदर भी बहुत सारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है ना, और भी बहुत सारे होता है। तो वो तो सेल से भी छोटा होता है क्योंकि सेल के अंदर होता है, तो हम लोग उसको स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों नहीं कहते हैं? नहीं कह सकते है ना, क्योंकि आप सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बाहर कर दो सेल से, तो वो जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है ना। तो इसीलिए उसको नहीं कह सकते हम लोग, सेल को स्मॉलेस्ट यूनिट कहते हैं ऑर्गेनिज्म को। उसी तरह से न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। चलो मैं इसको हटा दे रहा हूं। तो लिखना कि न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सॉरी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या होता है, तो ऑप्शन में दे देता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, और क्वेश्चन इसमें पूछा है कि है ना कि इसमें कौन जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, तो ऑप्शन देता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, और भी कुछ ऑप्शन दे सकता है। तो ये याद रखना कि न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड नहीं होता। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बट पहले मैं आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में बता देता हूं। तो न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट्स थ्री कंपोनेंट्स। इसमें तीन कंपोनेंट्स होता है, कौन कौन सा? तो नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड पेंटोज सुगर। मैंने कहा कि पेंटोज सुगर के बेसिस पर ही नेम पड़ा है डीऑक्सीराइबोस सुगर और राइबोस सुगर, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस सुगर होता है और आरएनए में राइबोस सुगर होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप जो एनर्जी गिविंग सब्सटेंस होता है, फॉस्फेट ग्रुप जिससे एटीपी वगैरह बनता है, ठीक है, ये होता है।
ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट्स हो गया, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज सुगर और प्लस फॉस्फेट, है ना, ये तीन, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज सुगर और फॉस्फेट, ये जो है हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड टाइड टाइड सर पढ़ा है ना भाई, टाइड का एक एड आता है ना, न्यूक्लियोटाइड कौन टाइड सर होता है एक, है ना, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो आप यहां से फास्फेट ग्रुप को हटा दो, है ना, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज सिल्वर, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, ठीक। तो बात समझ में आ गई, मिस न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोसाइड दो ही यूनिट से बना होता है, किससे, तो नाइट्रोजनस बेस से और पेंटोज सुगर से, यानी फास्फेट ग्रुप नहीं होता है न्यूक्लियोसाइड में, इसको ध्यान रखना। आप जेई का क्वेश्चन बैंक देखोगे, नीट का क्वेश्चन बैंक देखोगे, तो एक नहीं कई बार आपको क्वेश्चन इस पर मिल जाएगा, ठीक। और जेई में तो बायो मॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन डालना ही है, क्योंकि जानता है ना कि ये बायोलॉजी जो है बायोलॉजी का पार्ट है, ठीक है, इसलिए जानबूझकर इस चैप्टर से तो क्वेश्चन रहना ही है। तो ये हो गया न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस। अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज सुगर और फास्फेट। फास्फेट फास्फेट होता है, इसको तो हमें पढ़ना है डिटेल में। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज सुगर हम लोग देख लेते हैं कि नाइट्रोजनस बेस है ना को फर्दर जो है क्लासिफाई किया जाता है ना, दो कैटेगरी में उसको फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर तो दो टाइप का हो गया है ना, ठीक है, एक डीऑक्सीराइबोज सुगर जो डीएनए में होता है, दूसरा राइबोज सुगर जो आरएनए में होता है, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। पहले हम लोग नाइट्रोजनस बेस देखते हैं। हाँ बिल्कुल पढ़ना है जी वाले को भाई, इतना देर से मैं जो बोल रहा था तो क्या बोल रहा था, यही बोल रहा था ना, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नाइट्रोजनस बेस में कौन कौन सा बेसिस होता है। तो नाइट्रोजनस बेस इसको फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पाइरिमिडीन, प्यूरिन एंड पाइरिमिडीन, ठीक है। जे कितना आएगा ये तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन तो आएगा ही, है ना, कम से कम एक क्वेश्चन आ गया तो कम नहीं है, कम नहीं है। आप देख लो ना टोटल 11 और 12 में कितना चैप्टर्स हैं आपका और कितना क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन आ गया है ना तो काफी आ गया, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चन रहता ही नहीं जेई में, बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चन रहता ही नहीं जेई में, क्योंकि सारे चैप्टर से दे भी नहीं सकता है ना, चैप्टर ज्यादा हो जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाता है ना, लेकिन इससे एक क्वेश्चन तो रहना ही है। तो प्यूरिन को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है, ये दो होता है प्यूरिन, एक तो होता है एडिनिन, दूसरा होता है गुआनिन, एक होता है एडिनिन और दूसरा होता है गुआनिन, एडिनिन गुआनिन। और पाइरिमिडीन जो है पाइरिमिडीन तीन टाइप का होता है, ये तीन टाइप का होता है, कौन कौन सा, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिन, ठीक है। तो प्यूरिन में एडिनिन गुआनिन, पाइरिमिडीन में साइटोसिन थायमिन एंड यूरासिन, तो टोटल 5 जो है बेसिस होता है। अब हम लोग देखते हैं कि डीएनए में कौन कौन सा बेसिस होता है, होता है दोनों में 4-4 बेस, डीएनए में भी 4 बेस होता है और आरएनए में भी 4 बेस होता है, लेकिन कौन कौन सा डीएनए में होता है और कौन कौन सा आरएनए में होता है ये हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा सुगर के बारे में देख लेते हैं।
हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद पेंटोस शुगर दो टाइप का हो गया, डीऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर। तो पहले मैं राइबोस शुगर लिखता हूं, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक, राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर का मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका बना देता हूं। ऐसे तो स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है यहाँ, ठीक है, स्ट्रक्चर की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा बता दे रहा हूं। तो फाइव कार्बन का होता है चेन, है ना, पेंटोज नाम से ही है ना, पेंटोज यानी पेंटा फाइव कार्बन, यानी कि दोनों में जो है फाइव कार्बन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें OH और इधर CH2 OH और H ही होता है। आप देख लो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो देखो 1, 2, 3, 4 और ये 5, है ना, तो 5 कार्बन और कंपाउंड है, 5 कार्बन हो गया। रिंग भी 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 कार्बन है। इसमें भी वही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। OH CH2OH और H, ठीक है, देखो 1, 2, 3, 4 है ना, और चलो ये 5, इसको 5 में कर देता हूं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो आप देखो दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, दोनों के स्ट्रक्चर में एक ही डिफरेंस है, एक ऑक्सीजन की कमी है, मीन्स इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है, इसमें एक ऑक्सीजन कम है। कैसे, आप देखो, है ना, ध्यान से देखो, ठीक है। तो देखो देखो ये फर्स्ट कार्बन को देखो, OH ग्रुप, H इधर H है ना, सेम है। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले इधर H, इधर भी H, यहां देखो H है, यहां OH है, है ना, ये। उसके बाद फिर देखो थर्ड वाले में HOH, फोर में भी देखो CH2OH, CH2OH, सेम है। बस यहां जो है सेकंड कार्बन पर इसमें जो है OH ग्रुप है राइबोज में, और इसमें जो है सिर्फ हाइड्रोजन है, बस यही डिफरेंस। तो ये हो गया राइबोज शुगर और दिस इज डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो ये हो गया बेसिस शुगर, और फास्फेट ग्रुप तो दोनों में होता है, चाहे आप डीएनए लो या आरएनए लो। अब देखो किस सीक्वेंस में जो है बॉन्डिंग होता है, मैंने सीक्वेंस भी देखते हैं, क्योंकि तीन कंपोनेंट हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, पेंटोज शुगर हो गया और फास्फेट हो गया, तीन हो गया। ये तीनों का सीक्वेंस क्या होता है ये हमें देखना है न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। और दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जो है जो बॉन्ड बनाता है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या करते हैं, जैसे दो अमाइनो एसिड आपस में जो बॉन्ड बनाता था
उसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते थे। दो मोनोसेक्राइड्स आपस में जो बॉन्ड बनाता था उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते थे। उसी तरह से दो न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करेगा तब तक जाके एक जो है न्यूक्लिक एसिड बनाएगा, तो दो न्यूक्लियोटाइड जिस बॉन्ड से जो है आपस में जुड़ता है, ठीक है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सिक्वेंस, इस तीनों कंपोनेंट का सिक्वेंस क्या होता है और कौन सा बॉन्ड यहाँ एग्जिस्ट करता है ना डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच। ये हो गया, ओके तो अब देखो सीक्वेंस जो होता है, सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट्स इन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड तो इसमें यह होता है कि ये हो गया आपका, है ना, ये हो गया आपका सुगर, ये सुगर होगा, एक साइड इधर जो है, इधर जो है आपका हो जाता है ये बेस, ये सुगर हो गया, ये नाइट्रोजनस बेस हो गया। मैंने स्ट्रक्चर नहीं बनाया क्योंकि स्ट्रक्चर है ना कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा बनाना जरूरी नहीं है बिल्कुल। तो ये हो गया नाइट्रोजनस बेस, सिर्फ आपको जो है सीक्वेंस देखना है तीनों का। इधर जो है, इधर होता है फास्फेट ग्रुप, है ना, इधर होता है फास्फेट ग्रुप, फास्फेट ग्रुप, ये होता है सीक्वेंस का न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में ये सीक्वेंस हो गया। क्या सीक्वेंस हो गया देखा आपने, तो फास्फेट या आप इधर से भी कर सकते हो, है ना, मीन्स आप ऐसे भी कर सकते हो, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस, उसके बाद पेंटोस सुगर और उसके बाद फास्फेट, ठीक है। तो इधर से मैंने स्टार्ट किया, नाइट्रोजनस बेस सुगर फास्फेट, या आप ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, फास्फेट, है ना, एक एंड में फास्फेट होता है, दूसरा एंड में नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है, और सुगर जो है ये बीच में होता है, ठीक, फास्फेट उसके बाद सुगर और उसके बाद नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रो, चलो बेस मैं लिखता हूं सिर्फ, है ना, समझ लिया बेस, ठीक। तो ये सीक्वेंस हो गया एक न्यूक्लियोटाइड का। हाँ, इस तरफ ये तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड हो गया ना भाई, ये तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड हो गया। इस तरह से जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जब, है ना, कनेक्ट होगा तो, है ना, तो एक बड़े चेन का फॉर्मेशन करेगा, वही बड़े चेन क्या होगा तो न्यूक्लिक एसिड होगा, है ना। तो ये तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड हो गया, मैंने सिंगल न्यूक्लियोटाइड को बताया, है ना। अब इस तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कनेक्ट होगा, है ना, ये तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड हो गया, है ना, वन न्यूक्लियोटाइड हो गया, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, है ना, इसी तरह से, ठीक, इसी तरह ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, जिसको हम लोग शॉर्ट में NU, है ना, NU कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड NU। तो इस तरह वन न्यूक्लियोटाइड, टू न्यूक्लियोटाइड, थ्री न्यूक्लियोटाइड, है ना, फोर न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से, एंड सो ऑन, इस तरह से आगे।
है ना, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कंबाइन करेगा तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा, सीधा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। अब मैं कह रहा था कि ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड जिस बॉन्ड से बनता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डाइस्टर। ठीक, मीन्स के न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड थ्रू अ बॉन्ड नॉन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। मीन्स के टू और मोर न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड, टू और मोर न्यूक्लियोटाइड्स आर कनेक्टेड टू इच अदर थ्रू बॉन्ड नॉन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो इसको हम लोग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है, क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं डीएनए और आरएनए के। डीएनए में कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेसिस होता है और आरएनए में कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो देखो डीएनए में जो सुगर होता है, सुगर, सुगर कौन सा होता है, तो ये होता है आपका डीऑक्सीराइबोज सुगर। ठीक, उसके बाद नाइट्रोजनस बेस कौन सा होता है, तो नाइट्रोजिनस बेस। मैंने कहा कि टोटल नाइट्रोजिनस बेसिस कितना हो गया, 5 हो गया। कैसे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिन, बट होता है कितना, 4। डीएनए भी 4 नाइट्रोजिनस बेस होता है और आरएनए में भी 4 होता है। ठीक है, अब इसमें डीएनए में कौन कौन सा बेसिस होता है और आरएनए में कौन सा बेसिस होता है ये याद रखना है। तो इसमें जो बेसिस होता है वो होता है एडेनिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ये होता है डीएनए। बाकी बचा अब क्या, तो फास्फेट, तो फास्फेट तो दोनों में होता है ना, तो ये तो फास्फेट ग्रुप है ना, ये तो होता है। ठीक, तो ये तो हो गया डीएनए का।
हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं आरएनए। तो आरएनए में सबसे पहले हम लोग देखते हैं शुगर। तो शुगर हो गया इसमें राइबोस शुगर, उसके बाद बेस नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस कौन कौन सा होता है, तो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एंड यूरासिन। तो याद रखना डीएनए में यूरासिल नहीं होता है और आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, ठीक। डीएनए में यूरासिल नहीं होता और आरएनए में थाइमिन, ये तीन तो कॉमन होता है, कौन कौन सा देख लो, इस पर एक नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा है, देख लेना क्वेश्चन बैक, ठीक है। तो एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन ये तो दोनों में कॉमन होता है, डीएनए में ही आरएनए में। डिफरेंस ये होता है कि आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में कौन सा होता है, तो डीएनए में इसके प्लेस पर क्या होता है, तो थाइमिन होता है, ठीक है। बात शुगर की है तो वो तो है ही, है ना, शुगर सॉरी फॉस्फेट ग्रुप ये तो रहेगा ही, फॉस्फेट ग्रुप ये तो रहेगा। हो गया, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हेडिंग देना स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इसमें दो स्ट्रक्चर हमें देखना है, प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत सिंपल है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, है ना, द लाइनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, लाइनियर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नॉन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो जो लिनियर स्ट्रक्चर होगा, है ना, मींस के डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्टेट चेन, है ना, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्टेट चेन पॉलीमर्स, उसी को हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। मींस के जैसा मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियोटाइड, है ना, दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक। अब इसमें मैं थोड़ा सा और इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बताऊंगा। अब इसमें न्यूक्लियोटाइड में जो था क्या था, तो
आपका पेंटोज शुगर था, पेंटोज था मींस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं शुगर था, और लेफ्ट राइट क्या था, इधर फास्फेट था, फास्फेट था, और इधर क्या था, तो इधर जो है बेस था, यही था ना, ये तीन कंपोनेंट्स, फास्फेट शुगर बेस। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग और जूम करें तो हमें क्या मिलेगा, तो फास्फेट मिलेगा, फास्फेट मिलेगा, उसके बाद शुगर में हमें कौन सा मिलेगा, तो राइबोस शुगर मिलेगा, राइबोस शुगर मिलेगा, उसके बाद बेस में हमें कौन कौन सा, तो एडेनिन, एडेनिन ग्वानिन, ऐसा करना, ये प्लस करके देना, नहीं प्लस करके नहीं, ठीक है, इस तरह से पेंटोज राइबोस शुगर, सॉरी 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 फॉस्फेट, उसके बाद डी ऑक्सी राइबोज शुगर, डीएनए का हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो डी ऑक्सी राइबोज शुगर, और उसके बाद जो है बेस, बेस में कौन कौन है, तो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थायमिन, ठीक है, मैं इधर लिखा थायमिन, नीचे ये हो गया सीक्वेंस पूरा, नहीं दिस इज द सीक्वेंस, फॉस्फेट डीऑक्सीराइबोस शुगर और उसके बाद बेस, बेस में एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थायमिन, ठीक, ये हो गया कंप्लीट जो है एक यूनिट न्यूक्लियोटाइड का जो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए को बनाता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगल यूनिट, है ना, सिंगल यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड का, किसके लिए, तो डीएनए के लिए, समझे, ये न्यूक्लियोटाइड का सिंगल यूनिट हो गया, किसके लिए, तो डीएनए के लिए, है ना, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थायमिन, नहीं बेस आप इस तरह लिख सकते हो ना, बेस में, बेस में होता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बेस का भी जो है सीक्वेंस होता है, बेस का भी सीक्वेंस होता है, लेकिन वो हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, तो यहाँ आपको, यहाँ आप इस तरह रेंडमली लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, प्राइमरी स्ट्रक्चर में आप एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थायमिन लिखो या फिर ग्वानिन साइटोसिन, मींस रेंडमली लिख सकते हो, यहाँ प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां भी इसका भी सीक्वेंस होता है, ठीक, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो जब हम लोग देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके, तो आगे बढ़े या यही स्टॉप करें और पढ़ोगे, क्या बात है, बहुत लोग निकल गया भाई, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट लोग निकल गया होगा आज, है ना, सोचा होगा तो पढ़ाई है हमने भाई बायोलॉजी में, बार बार क्या पढ़ूंगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो आर्यन, आर्यन और पढ़ना चाहता है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, बट आज हम लोग यही जो है स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, है ना, तो फिर इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे मिस नेक्स्ट क्लास में, ठीक, और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, चलो ओके बाय, मिलते हैं फिर हम लोग, गुड नाइट। नीट में, नीट में कम से कम दो क्वेश्चन तो आएगा भाई, मिनिमम वन क्वेश्चन, मैक्सिमम दो क्वेश्चन, मैक्सिमम तो थ्री भी हो सकता है ना, लेकिन क्वेश्चन रहेगा ही, नीट में क्वेश्चन रहेगा ही, ठीक है, चलो ओके।